गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं हमारा तीसरा पार्ट सच्ची वीरता। ये जो पार्ट है, इस पार्ट के लेखक है सरदार पूर्ण सिंह। और हमने देखा है कि ये जो सच्चे वीर जो होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या विशेषताएं होती है सच्चे वीर की। जी हाँ, सच्चे वीर जो होते हैं धीर गंभीर होते हैं और जो है मन से आजाद होते हैं, ठीक है। और हमने ये भी देखा है कि जो नेपोलियन है उसने अपनी जो फौज है उसे क्या कहा था कि ये जो आल्प्स का जो पहाड़ है ये आल्प्स है क्या? जी नहीं, ऐसा कहते ही जो है नेपोलियन के फौज के अंदर जो है एक हिम्मत आ गई और उन्होंने जो है आल्प्स का पहाड़ चढ़ना शुरू कर दिया है ना। और उसी प्रकार हमने ये भी देखा है कि एक गुलाम ने जो दुनियाई जो बादशाह था उसे क्या कहा कि मैं फांसी के फंदे पर चढ़ जाऊंगा लेकिन तुम्हारा तिरस्कार तब भी करता रहूंगा। ऐसा जो है उस गुलाम ने जो दुनियाई बादशाह है उसे कहा। तो आज जो है हम इस पाठ का अभ्यास कार्य देखने वाले हैं। तो अभ्यास कार्य में देखिए, पहला जो देखेंगे क्या समझा क्या जाना से मौखिक और लिखित प्रश्न। मौखिक से पहला प्रश्न है, सच्चे वीर में क्या क्या विशेषताएं होती है? बताइए सच्चे वीर में क्या क्या विशेषताएं होती है? जी हाँ, सच्चे वीर जो है धीर गंभीर और आजाद होते हैं ना। तो देखिए, सच्चे वीर धीर गंभीर और आजाद होते हैं। सच्चे वीर धीर गंभीर और आजाद होते हैं। अगला प्रश्न है, गुलाम ने दुनिया के बादशाह को उसकी हद कैसे दिखा दी? गुलाम ने दुनिया के बादशाह को उसकी हद कैसे दिखला दी? बताइए, जो गुलाम है उसने जो दुनियाई बादशाह है उसे उसकी हद कैसे दिखा दी? जी हाँ, उसने क्या कहा, मैं फांसी के फंदे पर चढ़ जाऊंगा लेकिन फिर भी क्या है तुम्हारा तिरस्कार करता रहूंगा है। देखिए, मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा और तुम्हारा तिरस्कार तब भी कर सकता हूँ, यह कहकर गुलाम ने बादशाह को उसकी हद समझा दी। ठीक है, आप यहाँ पर जो है पूर्ण विराम दीजिए, खड़ी पाई। अब देखिए, नेपोलियन ने अपनी फौज को आल्प्स के पहाड़ों पर चढ़ने के लिए कैसे प्रेरित किया? बताइए, नेपोलियन ने अपनी फौज को जो है आल्प्स के पहाड़ों के ऊपर जो है चढ़ने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया? जी हां, उसने क्या कहा, ये जो आपको पहाड़ दिख रहा है, अब जो नेपोलियन की फौज थी वो जो है क्या समझ रही थी कि ये जो आल्प्स का पहाड़ है ये चढ़ना क्या है असंभव है, मुश्किल है। तो उन्होंने कहा कि नेपोलियन ने कहा उसके फौज के अंदर जोश भरने के लिए कि ये आल्प्स का पहाड़ है क्या? जी नहीं। तो देखिए, नेपोलियन की फौज ने जब आल्प्स पर चढ़ना असंभव समझा तो नेपोलियन ने जोश में आकर उन्हें कहा कि आल्प्स है ही नहीं। यह सुनते ही फौज को जोश आ गया और वह आगे बढ़ गए। इस तरह से ये जो मौखिक प्रश्न है। अब देखिए लिखित प्रश्न, ठीक है। लिखित में कुछ प्रश्न जो है आपको लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो लिखित में लघु उत्तरीय प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी फौज को उत्साहित करने के लिए क्या किया? बताइए, जो महाराजा जो रणजीत सिंह है उन्होंने अपनी फौज को उत्साहित करने के लिए क्या कहा? बताइए, उन्होंने पहले क्या किया, अपना जो घोड़ा है, खुद का जो घोड़ा है वो क्या है दरिया में डाल दिया है ना, उतार दिया है और कहा कि ये जो अटक है, ये जो लहरें हैं, ये क्या है सूख गई है ना। तो देखिए, महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी फौज को उत्साहित करने के लिए अपना घोड़ा दरिया की तरफ बढ़ा दिया और कहा अटक सूख गई। महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी फौज को उत्साहित करने के लिए अपना घोड़ा दरिया की तरफ बढ़ा दिया और कहा अटक सूख गई है, ठीक है। आप देखिए अगला प्रश्न, सच्चे वीर लोगों के दिलों से अपने को कैसे बांध लेते हैं? सच्चे वीर जो होते हैं लोगों के दिलों को जो है अपने से कैसे बांध लेते हैं, बताइए। जी हाँ, सच्चे वीर जो होते हैं अपने प्रेम के जोर से जो है लोगों के हृदय को जो है अपने से बांध लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों के हृदय को
से बांध लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, कायरों की उपमा किसके साथ की गई है बताइए, जो कायर होते हैं, जो डरपोक होते हैं, उनकी उपमा किसके साथ की गई है बताइए। देखिए, जो गरजने वाले जो बादल होते हैं वो बरसते हैं क्या? नहीं, वो सिर्फ गरजते हैं। ठीक है, गरजने वाले बादलों के साथ जो है कायरों की उपमा की गई है। ठीक है, और जो वीर होते हैं उनकी उपमा किसके साथ की गई? जी हाँ, बरसने वाले बादलों के साथ, है ना। तो देखिए, कायरों की उपमा गरजने वाले बादलों से की गई, कायरों की उपमा गरजने वाले बादलों से की गई। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, इस पाठ से आपको क्या प्रेरणा मिलती है बताइए। ये जो पाठ है सच्चे वीर, जो सच्ची वीरता, ये जो पाठ है, इस पाठ से जो है आपको क्या प्रेरणा मिलती है बताइए। देखिए, हमें क्या है, किसी भी परिस्थिति में हार मानना चाहिए क्या, घबराना चाहिए क्या? जी नहीं, हमें जो है स्वयं को जो है साहसी लीडर बनाकर जो है दूसरों को भी साहसी और लीडर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये जो है इस पाठ से हमें प्रेरणा मिलती है। ठीक है, तो देखिए, हमें किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए, स्वयं साहसी बनकर दूसरों को साहसी तथा लीडर बनने की प्रेरणा देनी चाहिए। हमें किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए, स्वयं साहसी बनकर दूसरों को साहसी तथा लीडर बनाने की प्रेरणा देना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आगे, अब देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा पर तुम्हारा तिरस्कार कब भी कर सकता हूं, गुलाम कैदी ने बादशाह से ऐसा क्यों कहा, इससे उसके स्वभाव की किस विशेषता का पता चलता है बताइए। जो गुलाम कैदी था उसने क्या कहा, मैं फांसी के फंदे पर चढ़ जाऊंगा पर तब भी तुम्हारा तिरस्कार करता कर सकता हूं, ये जो उसने वाक्य कहा, इससे गुलाम कैदी की जो है किस विशेषता का हमें पता चलता है, ये जो है हमें बताना है, और जो है उसने ऐसा क्यों कहा ये भी बताना है। ठीक है, तो देखिए, गुलाम कैदी ने बादशाह से यह इसलिए कहा क्योंकि वह साहसी और निडर था। गुलाम कैदी ने बादशाह से यह इसलिए कहा क्योंकि क्या है, वो साहसी और निडर था। वह फांसी पर चढ़ने को तैयार था क्योंकि वह दिल से आजाद था। अब देखिए, वह जो है फांसी के फंदे पर चढ़ने के लिए तैयार था क्योंकि क्या है, वो दिल से आजाद था। उसे किसी का भय नहीं था, फिर चाहे वो राजा हो या साधारण व्यक्ति। उसने बादशाह को यह दिखा दिया कि एक सच्चा वीर निर्भय और दिलेर होता है। एक जो सच्चा वीर होता है वो क्या होता है, निर्भय और दिलेर होता है। वह बड़े से बड़े बादशाह के डराने पर भी जो है नहीं डरता, इससे उसके निर्भीक स्वभाव का पता चलता है। किस स्वभाव का पता चलता है, निर्भीक स्वभाव। ठीक है, अब देखिए आगे, वीरता किस किस रूप में प्रकट होती है, पाठ से कोई दो उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। देखिए, जो वीरता होती है वो किस किस रूप में प्रकट होती है, ये हमें इस पाठ के अंदर आए हुए किसी भी दो उदाहरण के जरिए से स्पष्ट करना है। देखिए, वीरता अनेक रूपों में प्रकट होती है। वीरता का यह रूप लड़ने, कूद मारने, तलवार तोप के सामने जान गंवाने में दिखाई देती है। कभी वीरता दूसरे के लिए बलिदान करने में दिखाई देती है, कभी असंभव कार्य को करने में भी जो है वीरता दिखाई देती है, तो कभी अंत प्रेरणा बल युद्ध के समान। अब देखिए, बुद्ध के समान जो है विरक्त होने में भी दृष्टिगोचर होती है। सच्चा वीर तो होता है, सच्चे वीर की वीर ही सच्चाई के रास्ते पर अटल रहता है, वह घबराता नहीं। नेपोलियन के उत्साह बढ़ाने पर उसकी फौज जो है उसने आल्प्स जैसे दुर्गम पहाड़ को
पार कर दिया। ठीक है, अब देखिए आगे आशय स्पष्ट कीजिए। दीर्घोत्तरी में हमें आशय स्पष्ट कीजिए ये प्रश्न दिया गया है। आशय स्पष्ट कीजिए में हमें देखिए कुछ पंक्तियां दी है, उसका आशय स्पष्ट करना है। देखो, वीरों को बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते, वे तो देवदार के वृक्षों की तरह जीवन के अरण्य में खुद ब खुद पैदा होते हैं। जो वीर होते हैं उन्हें बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते। सच्चे वीर जो होते हैं वो देवदार वृक्षों की तरह होते हैं, जो है जीवन के अरण्य में जो है खुद ब खुद पैदा होते हैं। इसका जो है हमें आशय स्पष्ट करना है। तो देखिए, सच्चे वीरों को तैयार करने की आवश्यकता नहीं होगी, वे अंतःप्रेरणा से किसी भी स्थान को परिवेश में पैदा हो जाते हैं। विशाल देवदार के वृक्षों की तरह जो है स्वयं प्रेरित होकर जीवन की राह में आगे बढ़ते हैं तथा हर कठिनाई का सामना करते हैं। अब देखिए आगे, वह वीर क्या जो टीन के बर्तन की तरह झट से गर्म और ठंडा हो जाता है। वह वीर क्या जो टीन के बर्तन की तरह झट से गर्म तथा ठंडा हो जाता है। ठीक है, गर्म और ठंडा हो जाता है। तो देखिए, वीरों का स्वभाव टीन के बर्तन के समान नहीं होता है। वीरों का जो स्वभाव होता है टीन के बर्तनों के समान होता है क्या? नहीं। देखिए, टीन के बर्तनों की विशेषता होती है क्या है, झट से गर्म होता है और झट से ठंडा हो जाता है। ठीक है, लेकिन वीर ऐसे होते हैं क्या? जी नहीं, वीरों का स्वभाव टीन के बर्तनों के समान नहीं होता, क्योंकि जो टीन का बर्तन है तुरंत गर्म और तुरंत ठंडा हो जाता है। वीर पुरुष धैर्यवान तथा साहसी होता है, यह साहस सदा उसमें होता है, वो हमेशा ही उसके अंदर होता है। ठीक है, ये जो है इस तरह से हमने पाठ देखा है, इसके आगे का जो भाग है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।